आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज़ एंड नेचर्स ट्रेजर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आज एक ऑर्नामेंटल व मेडिसिनल प्लांट की चर्चा करेंगे। एनुअल ये प्लांट है, कॉमन पॉपी, कॉर्न पॉपी या पपेवर रोयास के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। पपेविरेसी का ये मेंबर है। इसी फैमिली का मॉर्फिन भी होता है। मॉर्फिन पपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है, और जबकि ये पपेवर रोयास है, पपेविरेसी का ये मेंबर है। मित्रों, इसके सुंदर फूल औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आते हैं। वैसे तो समस्त प्लांट का हम लोग औषधीय गुणों के लिए यूज़ करते हैं। इसकी जो रेड कलर की आप पेटल्स देख रहे हैं, इसका हम इन्फ्यूज़न तैयार कर लेते हैं, और इस इन्फ्यूज़न से हम विभिन्न प्रकार के न्यूरोप्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट के लिए उपयोग में लाते हैं। साथियों, कई बार स्ट्रेस हो जाता है दैनिक जीवन में। आजकल लाइफस्टाइल बड़ा फास्ट हो गया है, जिसके कारण स्ट्रेस होना स्वाभाविक होता है, और उस स्ट्रेस के कारण हमारी मेमोरी काफ़ी कम हो जाती है और लर्निंग कैपेसिटी बहुत डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी कोमल जो पेटल्स हैं उनको कलेक्ट करके और गर्म पानी के अंदर डाल दीजिए, और आवश्यकता के अनुसार अगर आप सेवन करते हैं तो मानसिक तनाव को दूर करता है, एंजाइटी को दूर करता है, और स्ट्रेस के कारण जो लर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है, मेमोरी जो कम हो गई है, उसको रिगेन कराने का कार्य करता है। साथियों, इस इन्फ्यूज़न का उपयोग हम ब्लड शुगर के रेगुलेशन के लिए भी करते हैं, और हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी करते हैं। वंडरफुल ये प्लांट है। इसके जो नीचे जड़ होती है उसको हम निकाल लेते हैं, और उस जड़ का उपयोग हम पेट में अगर कीड़े हैं उनको दूर करने के लिए करते हैं। इसकी अंदर जो जड़ होती है उसका काढ़ा बनाकर हम सेवन करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, वॉश कर लीजिए, और धीमे धीमे आंच पे काढ़ा पकाना चाहिए। 15 से 20 मिनट बाद आप 5 ग्राम इसकी जड़ निकाल कर और उसको 200 मिलीलीटर जल में धीमे धीमे आंच पे काढ़ा बनाइए, और काढ़े को छानकर आप शहद मिलाकर सेवन कीजिए। पेट के कीड़ों को दूर भगाता है। इसके समस्त प्लांट का पंचांग अगर आप सुखा कर पाउडर बनाकर सेवन करते हैं तो वो शरीर के टॉक्सिन्स को रिमूव करके बुखार को ठीक करने का कार्य करता है, लीवर डिटॉक्स का कार्य करता है। मित्रों, ज़्यादा मात्रा में, एक्सेस मात्रा में, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप सेवन करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं साथियों, क्योंकि इसके जो गुण और धर्म हैं वो मॉर्फिन की तरह ही होते हैं। तो एक्सेस डोज अगर हो जाती है तो कार्डियक डिप्रेशन का ये कार्य कर सकता है, CNS डिप्रेशन का भी ये कार्य करता है, और एपिलेप्सी भी कॉज कर सकता है, मिर्गी भी कॉज कर सकता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के समय इसका सेवन ना करें, क्योंकि यह मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, और मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ होने के कारण अबॉर्शन का खतरा बढ़ जाता है। मित्रों, क्योंकि ये देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा है, गमलों में आसानी से हो जाता है, पार्शियल शेड कंडीशन में हो जाता है, और ज़्यादा वाटर की इसको आवश्यकता नहीं होती है। सीड के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं, आसानी से हो भी जाता है। सेफली आप इसको लगाकर अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, मई के महीने तक ये मैच्योर हो जाते हैं, और ये जो बीज आप देख रहे हैं इन्हीं के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है। इसको हम मार्च के महीने में लगा देते हैं, 3 से 4 महीने के अंदर बहुत अच्छी ये फ्लावरिंग देते हैं, गमलों में आसानी से लग जाते हैं, और इन्हीं बीज के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन हो जाता है। इसके अंदर मुख्यतः एल्कलॉइड पाए जाते हैं, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन, एपोर्फिन मुख्य घटक हैं, रियोडिन भी एक इम्पोर्टेंट घटक होता है जो इसके अंदर पाया जाता है, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए, पेट से वर्म्स को एक्सपेल करने के लिए, कार्डियक प्रोटेक्शन के लिए, फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग एक्टिविटी के लिए, लीवर और किडनी डिटॉक्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों, आप इसको गमले में लगाइए और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन इसका कीजिए। हेल्थ के लिए आप इसको अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हैं। सीड के माध्यम से प्रोपेगेशन इसका हो जाता है। पेटल्स को कलेक्ट करके रख लीजिए, ड्राई करके इसका पाउडर बना के रख लीजिए। ग्रीन टी के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रीन टी आपके दैनिक जीवन की एंजाइटी, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में विशेष सहायक हो सकती है। फ्लावर्स हैं, ड्राइड फ्लावर्स का पेस्ट बनाकर और उसमें थोड़ी सी आप इसमें मुल्तानी मिट्टी, फुलर्स अर्थ मिलाकर और थोड़ा चंदन का पाउडर मिलाकर अगर आप
फेस पे लगाएंगे तो एंटी रिंकल एक्टिविटी के लिए, चेहरे की कांति को बढ़ाने के लिए विशेष कार्य करता है। एंटी एजिंग एक्टिविटी भी इनके अंदर होती है। जानकारी को ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी लाइफ को प्रॉपरली इस प्लांट के साथ मैनेज कीजिए। जिस जानकारी को शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे नई नई वीडियोज़ का। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।